सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे, तो मैंने पार्श्वनाथ भी आपको बता दिया है ना, पार्श्व वसुमित्र मैंने आपको बता दिया, अशोक जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बौद्ध धर्म की मायान शाखा का जो है विकास का सूत्र हम उसको कह सकते हैं अभ्युदय, भी इसके समय हुआ। ठीक है, हीनयान और महायान दो शाखाओं में इसके समय बटा। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। कब तक बनी रही? 230 ईस्वी तक। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था और जिसे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो जातियां थी वो भारत में आई, तो भारत के संदर्भ में, भारतीय समाज के संदर्भ में आत्मसातीकरण किस प्रकार हुआ, तो देखिए आप, मैंने आपको कुषाण वंश पढ़ा दिया है ना, सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक मैंने आपको, भीम कटपीसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कौन से धर्म का अनुयायी था, शिव धर्म को मानने वाला। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कुजुल कटपीसेस प्रथम बता दिया, वो वैदिक धर्म को मानने वाला था। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, कनिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसके समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शक संवत की स्थापना इसके द्वारा की गई 78 ईस्वी में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना, सब चीजें मैंने आपको बताने के बाद इसकी राजधानियां सब कुछ मैंने आपको, पेशावर, मथुरा, दूसरी राजधानी मथुरा भी आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं जो बारी आक्रांता जातियां थी, बर्बर जातियां, इनका जो है भारतीय समाज में क्या योगदान है, मतलब आत्मसातीकरण क्या है भारत के संदर्भ में, आत्मसातीकरण शक हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी, मध्य एशिया से आई थी, मैंने आपको बता दिया उत्तर पश्चिम से इन्होंने अटैक किया था भारत पे। ठीक है, इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका समाज एवं संस्कृति में क्या हो गया, आत्मसातीकरण। ये भारत में आए लेकिन भारतीय समाज की संस्कृति, कल्चर और वहां की भारत की सोसाइटी को देखकर इन्होंने क्या किया, भारत में अपने आप को मेल लिया, गोल लिया। भारतीय की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलियाई जातियों जो समाज का अंग बन गई। ठीक है, क्या बन गई, भारतीय समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म का पालन वो शिव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही, मैंने अपने आपको बता दिया, बताया नहीं बताया कि कुषाण शासकों में पहला राजा था कुजलफट निशस, इसने किसको माना, वैदिक धर्म को माना, और भीम कटपीसस द्वितीय। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये शिव मतानुयायी था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्काएं जारी करने वाला प्रथम शासक था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो धीरे धीरे भारतीय धर्मों के प्रति, भारतीय समाज और सभ्यता और संस्कृति के प्रति इनका रुझान बढ़ा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने क्या किया, आत्मसात किया, अपनाया। किन्होंने, बाहर से आने वाली बर्बर जातियों ने। ठीक है, इसको ही आत्मसातीकरण कहते हैं। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है, करती नहीं करती, क्योंकि जो बौद्ध धर्म की है ना चौथी बौद्ध संगीति आयोजन हुआ कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में हुई, तो लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके समय हुई, तो कुषाण शासक किसके समय हुई, कनिष्क के समय हुई, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका पहला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें आपको किसी भी वंश और किसी भी राजा के प्रति आपको किसी भी त्रुटि लगे या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप प्रॉब्लम क्लास के अंदर आकर मेरे से आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।